मध्य प्रदेश के इंदौर में हाथरस की बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है। इसी को लेकर इंदौर में लोग सड़कों पर उतरे और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। इंदौर के गीता भवन क्षेत्र में बड़ी तादाद में शहर के नागरिकों ने हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ की मांग की और कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए गए। योगी आदित्यनाथ को शर्मसार कर देने वाले बयान को लेकर देश भर की जनता आक्रोश में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान, गाय बचनी चाहिए लड़की को बचाने से ज्यादा जरूरी है। दरअसल इंदौर गीता भवन क्षेत्र में बड़ी तादाद में शहर के नागरिकों ने हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ को लेकर कैंडल मार्च निकाला और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। निशा को न्याय दिलाने के लिए और उसे न्याय जल्द से जल्द सही रूप में, न कि जो सरकार ने घोषित किया है, क्या सरकारी नौकरी देने से, क्या 1 करोड़ रुपए देने से, क्या उस परिवार को घर बना के देने से न्याय मिल जाता है। उनकी सरकार सिर्फ गायों को बचाने के लिए बनी है, तो योगी सरकार से यही कहेंगे कि फिर वो गायों से ही वोट मांगे।